हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नॉट कनेक्टेड विद। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है वो किससे कनेक्टेड नहीं है वो हमें बताना है। जहाँ पे ऑप्शन हमें दिए गए, ए न्यूमेरिकल अपर्चर, बी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, सी है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस और डी है ट्यूब लेंथ। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन दैट विल बी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ पे हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में जानने वाले हैं। सो बेसिकली अगर हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें, देन बोल सकते हैं कि यहाँ पे दिस इज यूज्ड टू मैग्निफाई इमेजेस। तो हम लोग अगर इसकी मैग्निफिकेशन की बात करें, देन यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो मैग्निफिकेशन है दैट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ साइज of an object which is seen under the microscope। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर माइक्रोस्कोप टू दैट ऑफ द एक्चुअल साइज। उसका जो एक्चुअल साइज और एक्चुअल साइज क्या रहेगा वो माइक्रोस्कोप के अंडर नहीं रहेगा। सो इसको हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। एंड अगर हम लोग को टोटल मैग्निफिकेशन निकालना होगा किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, सो टोटल मैग्निफिकेशन जो है वो हो जाएगा मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाइड टू द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ आईपीस। आईपीस का जो मैग्निफिकेशन पावर है उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किससे, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस से, तो उस केस में हमें जो मिलेगा वैल्यू दैट इज नोन एज द टोटल मैग्निफिकेशन। एंड यहाँ पे अगर हम फैक्टर्स की बात करें, कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूडेड है, तो मैग्निफिकेशन पावर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हमें उसका फोकल लेंथ का जरूरत पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं द फैक्टर्स विच आर इंक्लूडेड आर बेसिकली द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किन किन का, देन ऑब्जेक्टिव लेंस का हमें अगर मैग्निफिकेशन पावर चाहिए तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ भी चाहिए होगा हमें उसको मेजर करने के लिए। साथ ही साथ में आई पीस जो है उसका भी हमें मैग्निफिकेशन पावर निकालना था, दैट मीन्स हमें फोकल लेंथ आई पीस का भी जरूरत पड़ेगा। और टोटल मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज बेसिकली दी ट्यूब लेंथ। सो इन सारे फैक्टर्स का हमें जरूरत पड़ता है बट नॉट दैट ऑफ द न्यूमेरिकल अपर्चर। इसीलिए हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।